कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाउन का असर आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर भी देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा पर्व पर होने वाले समस्त बड़े आयोजन निरस्त रहे। केवल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ लोगों की उपस्थिति में विभिन्न आश्रमों में गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सेलाना बस स्टैंड स्थित अखंड ज्ञान आश्रम में भी गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आश्रम में आने वाले भक्तों की स्क्रीनिंग की गई और 2 गज की दूरी के साथ पूजन में शामिल किया गया। कोरोना महामारी के चलते आश्रम नहीं आ सकने वाले भक्तों ने मोबाइल में वीडियो कॉल करके अपने गुरु और स्वामी जी के दर्शन कर गुरु पूर्णिमा पर्व पर आशीर्वाद लिया। रतलाम के जावरा में आज दिन दहाड़े एक दुल्हन की गला रेतकर हत्या कर आरोपी फरार हो गया। दुल्हन ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने गई थी। इसी दौरान सिरफिरे शख्स ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर धारदार हथियार से दुल्हन के गले पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। दुल्हन को लहूलुहान देख आसपास के लोगों के होश उड़ गए। तत्काल उसे जावरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस एकतरफा प्रेम में हत्या की आशंका जता रही है। ये सनसनीखेज वारदात हुई है आज सुबह करीब 9 बजे। दरअसल शाजापुर के नाग नागिन रोड क्षेत्र के रहने वाली 32 वर्षीय सोनू पिता कमल सिंह यादव की आज नागदा के गौरव के साथ विवाह होना था। कोठारी रिसोर्ट में यह शादी होनी थी। दुल्हन अपने परिवार के साथ आज सुबह ही शाजापुर से जावरा आई थी। सोनू जब मेकअप के लिए जावरा के आर्य चौराहे स्थित ब्यूटी पार्लर पहुंची, उसी वक्त इस हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के समय दुल्हन की बहन भी ब्यूटी पार्लर में ही थी। दुल्हन की बहन के अनुसार दुल्हन का मेकअप चल रहा था, उस दौरान उसके मोबाइल पर एक फोन आया। उसने अपना नाम राहुल बताया और सोनू से बात करने के लिए कहा। फोन पर बात करने के बाद वह युवक अंदर आ गया और तैयार हो रही दुल्हन का चाकू से गला रेतकर फरार हो गया। जावरा पुलिस आसपास के CCTV खंगालकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड ने आरोपियों के बेखौफ इरादों को साफ कर दिया है कि उनके जहन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। एक लड़की सोनू यादव नाम की लड़की थी शाजापुर की, उनकी मैरिज होने वाली थी आज यहाँ पर एक जावरा में। गौरव जैन करके हैं नागदा के, उनके साथ इनका दूसरा विवाह था, लड़की का दूसरा विवाह था। ये ब्यूटी पार्लर पर जब वो मेकअप करा रही थी, उसी दौरान एक बंदा आया और उनके गले पर चाकू लगाकर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद भाग गया वो। आसपास के CCTV फुटेज और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी इसको निकाल लेंगे। सर, इस तरह की घटना क्या है, किस तरह आपको लगता है कोई भी सुराग पुलिस को मिल पाए या कोई CCTV फुटेज या कुछ हाथ लगा? हाँ, उन्हीं सब पर हमारा अनुसंधान चल रहा है, करके हम आपको बताते हैं। अभी तो हम अपना थोड़ा सा प्राइमरी कार्रवाई कर लें, हम देन फिर जैसा भी होता हम बताते हैं आपको। बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में बीती शाम को 2 झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग से झोपड़ियों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर दमकलों को बुलाकर आग पर काबू पाया। आग रामा डामोर और प्रकाश डामोर की झोपड़ी में लगी। आग से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन अभी नहीं हुआ है, लेकिन समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो समीप की झोपड़ियों में भी आग लग सकती थी। आग कैसे और किन कारणों से लगी अभी इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये प्रारंभिक सूचना चीता पार्टी को मिली थी। इस मौके पर चीता पार्टी आकर अपने फायर ब्रिगेड वगैरह को सूचना दी थी। फायर ब्रिगेड वगैरह आने के बाद जब तक 2 झोपड़ी में आग लगी है, जिसमें 2 व्यक्ति हैं उनके नाम आए हैं कि इनकी झोपड़ी में आग लगी है। एक तो रामा है डामर और प्रकाश डामर, इनकी झोपड़ी में आग लगी, इनका घरेलू सामान वगैरह जल गया है। सर, क्या कारण रहा जलने का? अभी तो कारण अज्ञात है, आगजनी कहीं भी करके जांच में लेंगे तब पता चलेगा कि क्या कारण है। सर, जिनके लगे उनने कोई आरोप वगैरह लगाया कि किसके माध्यम से जलाई गई है? नहीं, अभी तो इनका कहना यही है कि कार आग बिना उससे नहीं लग सकती, पर फिर भी कारण अज्ञात है तो फिर जांच के बाद ही बता पाएंगे कि कारण क्या है। अगर आपके घर सहित पूरे क्षेत्र में अचानक से आसमान से पत्थर आना शुरू हो जाएंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? आप डर के कारण घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे और पुलिस को सूचना देंगे, लेकिन 4 दिन से लगातार अगर ऐसा होता आ रहा हो और पुलिस भी कुछ ना कर पाए तो भगवान के भरोसे ही रहेंगे। जी, ऐसे ही भगवान भरोसे है रतलाम शहर के जूनी कलाल सेरी के निवासी।
इस क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही है। लोगों में डर और दहशत है। आसमान से आने वाला पत्थर कब किसको लग जाए पता नहीं। आसमान से आने वाले पत्थरों से लोगों के घरों के पत्रे तक टूट गए। शुरुआत में ये पत्थर शाम से लेकर देर रात तक बरसते थे, लेकिन 2 दिन से तो अब दिन में भी आना शुरू हो गए। क्षेत्र के रहवासियों ने अपनी इस समस्या को पहले तो किसी के द्वारा की जा रही शरारत माना, लेकिन पत्थर बरसने का क्रम थमा ही नहीं तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस के जवान आए तो सही, पत्थर से टूटे पत्रे देखे और चले गए। 4 दिन में पुलिस आसमान से होने वाली पत्थरों की बारिश के बारे में पता नहीं लगा पाई, जिससे कि अब तो नागरिक अपने घर से ही बाहर नहीं निकल रहे। नागरिकों ने अब अपने आप को भगवान के भरोसे ही रख लिया है। पीड़ित क्षेत्रवासियों का कहना है कि हम लोग 4 दिन से लगातार परेशान हो रहे हैं और इस एरिया में लगातार पत्थरबाजी हो रही है। ना दिन होता ना रात, हमारे लिए 24 घंटा इनकी चौकीदारी का काम हो गया। और ये जो अज्ञात शख्स हमारे यहाँ पत्थरबाजी कर रहा है, हम उसे हम पकड़ भी नहीं पा रहे। पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर चुके हैं और अब पुलिस वालों ने बोला है कि आप TI साहब को जाके आवेदन दीजिए। तो आज हमने कुछ लोगों की सिग्नेचर करवाए, अब सुबह हम जाके आवेदन तो देंगे ही सही, लेकिन पुलिस को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो किसी न किसी तरह से किसी न किसी को तो बड़ा नुकसान होना ही है, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर हम कब तक ये चौकीदारी करते रहेंगे? हम लोग मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करें कि रात भर चौकीदारी करें, दिन भर चौकीदारी? अब हमारे छोटे छोटे बच्चों को नुकसान हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी ये स्थिति बन गई हमारी कि हम लोग मतलब डर डर के जी रहे हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? मिला। क्या समस्या रही आज रात में सब इकट्ठे हो रहे हो आप? अरे सर, इतने पत्थर आ रहे, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे कि पत्थर टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं। हम कैसे सोए बताओ, डर के हमारे लग जाए, हमारे बच्चे हम बाहर नहीं बैठ सक रहे थोड़ा डर के मारे। अब बारिश आएगी, सारा पानी अंदर आएगा, अब क्या करें बताओ? अरे भैया, है ना, रात भर परेशान हो रहे, पत्थर मारने वाले चारों तरफ से पत्थर मार रहे। कितने बड़े पत्थर आ रहे और कहाँ से आ रहे? कम से कम ये आ रहे इतने बड़े बड़े, ये मेरे हाथ में, इससे छोटे छोटे भी आ रहे। चिड़िया भी आ रही है, टाइल से भी आ रही है, टाइल से के भी टुकड़े हैं, नट बोल्ट भी हाथ में आ जाते हैं। तेजवीर सेना महिला संगठन ने अब चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। महिला सेना ने चीन के धोखाधड़ी के विरोध में चीन के राष्ट्रपति के फोटो सहित चीनी सामान की होली जलाई। स्थानीय शक्तिनगर में तेजवीर सेना महिला संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती कुसुम चाहर के मार्गदर्शन में महिलाओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की। तेजवीर सेना महिला संगठन रतलाम के सदस्यों द्वारा चीनी सामान की होली जलाई गई व चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के पोस्टर जलाए गए तथा कोरोना महामारी के बचाव हेतु लोगों को जागृत किया गया तथा मास्क बांटे गए। इस अवसर पर तेजवीर सेना की जिला अध्यक्ष श्रीमती कुसुम चाहर द्वारा चीनी सामान का बहिष्कार करने व भविष्य में चीनी सामान नहीं खरीदने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर तेजवीर सेना की जिला प्रभारी मुनेश चौधरी, उपाध्यक्ष विमला जाट, मीडिया प्रभारी पूजा चोयल व अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।